नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ओबीसी की सदस्यता समाप्त करते इस द्रोह का मामला पंजीबद्ध किया जाए। सूरज ब्रह्मी ने कहा कि अनुच्छेद 102 घा के तहत सदस्यता समाप्त कर धारा 124 के तहत देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध किया जाए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मी ने महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह से मांग की है कि देश और देश के 140 करोड़ जनता की आस्था को ठेस पहुंचाकर देश के संविधान के विपरीत संसद में शपथ ग्रहण के दौरान हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जय फिलिस्तान कहकर अपराध करने वाले सांसद पर भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 102 के तहत सांसद की सदस्यता समाप्त कर आईपीसी की धारा 124 के तहत देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध किया जाए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे ने कहा कि भारत देश हजारों वर्षों से सनातनियों का देश रहा है। देश के करोड़ों देशवासी भारत को माता मानकर इस देश की पूजा करते हैं। जब जब भी देश में संकट आया है तब तब देश के हजारों लाखों लोगों ने देश के मान सम्मान को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है और आज भी अपने स्वार्थ से हटकर देश में लाखों लोग हैं जो अपने वतन पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का असर पूरे विश्व में ऊंचा कर रखा है। आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में हर दृष्टि से शक्तिशाली हुआ है, जिससे देश और देश की जनता आज सुरक्षित है। मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में ऐसे ऐसे प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित हुए हैं जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर धर्म के लोगों को आज सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किंतु असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की वजह से देश में शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है। ब्रह्मे ने महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, भारत सरकार से मांग की है कि संसद में शपथ ग्रहण के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जय फिलिस्तान कहने पर संसद में सदस्यता समाप्त कर देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध किया जाए। सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव, नरेंद्र मोदी विचार मंच। जैसा कि सारा देश शपथ ग्रहण समारोह को देख रहा था, उसी समय हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तान कहकर देश की जनता को चौंकाने का काम किया गया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जय फिलिस्तान कहकर उन्होंने विदेशी राज पर निष्ठा जाहिर किया है और ऐसे स्थान पर विदेशी राज के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर किया जो सर्वोच्च सदन है, जहां हमारे देश का कानून, जहां हमारे देश का नियम और जहां हमारे देश का संविधान बनाया जाता है, ऐसे स्थान पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा यह कहा जाना हमारे संविधान के विपरीत है। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को इसी सर्वोच्च सदन पर हमारे देश का संविधान लागू किया था। उसी सदन पर 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण में सांसद ओवैसी के द्वारा
यह कहा जाना 140 करोड़ देशवासियों की आस्था को ठेस पहुंचाना मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी से, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मांग करता हूँ कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 102 घा के अंतर्गत उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही सांसद ओवैसी के द्वारा देश में शांति भंग करने की नियत से देश के सर्वोच्च स्थान संसद पर जय फिलिस्तान कहने के कारण आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मामला कायम कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें पंचायती राज न्यूज के साथ। नमस्कार।